लवकेश और शिवानी को आ चुकी है अपने दोस्तों की याद और ये बात कर रहे हैं कि ये घर हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और हम भी इस घर में बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। ये बात तो सच है कि हर सीज़न आप लोग और मैं और जो मेकर्स है इस घर से, इस घर में रहने वाले लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं और इस घर में रह के ये लोग भी बहुत कुछ सीख के जाते हैं और इनकी लाइफ में जो है एक अजीब सा एक बदलाव जो है देखने के लिए इनको मिलता है जब ये घर से बाहर आते हैं। वैसे ही जो है लवकेश अपने व्लॉगिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हैं। कल जो है उन्होंने व्लॉगिंग की, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ही मिस कर रही हैं। हालांकि व्लॉग्स जो है उनके दोस्त बना रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हैंडल कर रही हैं, पर वो कर क्या रहे हैं ये चीज़ अब वो देखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि मेरे अंदर आने के बाद क्या सब चीज़ें हुई। पर अब तो वो ये सब चीज़ें नहीं देख सकती हैं क्योंकि ये घर के अंदर हैं। शिवानी कुमारी का ही कुछ ऐसा ही हाल है। शिवानी का भी कहना ये है कि हाँ भाई, हम तो देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर आने के बाद क्या सब चीज़ें डाली गई हैं। हम तो जब बाहर जाएंगे सबसे पहले यही सब चीज़ें देखेंगी, किसने मेरे बारे में क्या बोला, क्या डाला, क्या सब चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें जो है मैं जाके देखूंगी ज़रूर। और यार यहाँ पर ना लवकेश, मैं एक बात बोलूँ, कटारिया भाई, मैं एक बात बोलती हूँ कि अरमान अरमान जो है जिम विम करता रहता है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए मिल रही हैं कि मैं पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान वगैरह नहीं देती थी, व्लॉगिंग कर लिया, पर ये लोग भी तो व्लॉगर हैं, ये अपनी फिटनेस पे कितना ध्यान देते हैं, तो अब मैं भी जिम करती हूँ, ये करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे चीज़ें यहाँ सीखने के लिए मिल रही हैं। तो लवकेश का भी कहना ये है कि हाँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से सीखने के लिए मिल रही हैं और सीख भी रही हैं और सिखा भी रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि लवकेश और शिवानी को यहाँ पर क्या चीज़ की सीख मिली, आपकी नज़र में क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और लवकेश से और शिवानी से आप लोगों ने क्या सीखा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए।